हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बाय नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। दोस्तों, क्या करना है आपको कि पासपोर्ट साइज फ़ोटो कैसे बनाएं एमएस वर्ड में। तो सबसे पहले एमएस वर्ड को कर लेते हैं ओपन। तो मैंने पहले से ही खोल रखा है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, एमएस वर्ड हो जाएगा ओपन। देन उसके बाद में क्या करना है आपको, एक पिक्चर इंसर्ट करनी है। इसके लिए क्या करना है, इंसर्ट टैब में जाना है। पहले सबसे पहली जो ज़रूरी चीज़ है वो क्या आपको देखनी है, पेज लेआउट में जाना है, साइज में जाना है आपको, और यहाँ से आपके जो भी प्रिंटर का साइज हो वो पहले सेलेक्ट करने लाना है। जैसे ज़्यादातर तो A4, A5 और A3 चलता है, तो सबसे ज़्यादा A4 चलता है, तो आपका जो भी है वो सिलेक्ट कर लीजिए। देन उसके बाद में इंसर्ट में जाना है, पिक्चर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ से एक इमेज ले लेनी है, जो भी जहाँ पर भी आपने रख रखी है इमेज को निकालने के लिए रख रखी है जो भी इमेज। तो मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ, एक इमेज ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ से ये वाली इमेज को ले लूँगा, क्योंकि ये पासपोर्ट साइज फ़ोटो मुझे यहाँ से बनानी है, तो मैंने इंसर्ट कर ली। इंसर्ट करने के बाद में इस इमेज को कर लेना है थोड़ा छोटा, क्योंकि पासपोर्ट साइज फ़ोटो क्या होती है, पूरी नहीं होती है, यहाँ से बिल्कुल आधी होती है फ़ोटो, आधी फ़ोटो होती है। तो इसे हम क्रॉप कर लेते हैं। मैं जानता हूँ कि मेरी इमेज जो है ख़राब दिखने वाली है। तो फॉर्मेट टैब कंप्लीट अगर आपको नहीं पता है दोस्तों, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पर जाके आप देख सकते हो। वहाँ पर फुल पिक्चर एडिटिंग कोर्स है, वो भी एमएस वर्ड का, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे क्रॉप पे जाना है। देन उसके बाद में मैं इस पिक्चर को कर लूँगा क्रॉप, जितनी पासपोर्ट साइज में होती है मैं उतनी कर लेता हूँ। मैं यहाँ तक क्रॉप कर लेता हूँ, यहाँ तक सही है, सही, ओके। अभी ये ऊपर से भी क्रॉप कर लेते हैं, यहाँ से भी क्रॉप कर लेना है, इस तरीके से क्रॉप क्रॉप क्रॉप। अभी ये पिक्चर क्रॉप हो चुकी है, अब इसको छोटा कर लेना है, और इससे पहले ये क्रॉप हो जाएगी यहाँ पर, तो मैं इसे सही कर देता हूँ पहले से ही। तो मैं इसे कंट्रोल जेड करूंगा, वापस सही हो जाएगी। तो क्रॉप ऑप्शन हट गया, अब ये पॉइंट्स आ गए। तो यहाँ पे शिफ्ट बटन को प्रेस करके रखना है, वरना पिक्चर की जो हाइट होती है वो हाइट के साथ वाइट चेंज नहीं होती है, जिसकी वजह से पिक्चर हो जाती है हमारी खराब। दोस्तों, अभी एक दिक्कत हो रहा है, अभी यहाँ पर ये जो इधर साइज जो दिख रहा है इसको भी कर लेना है आपको क्रॉप। इस तरीके से यहाँ पर जाना है और इसे कर लेना है क्रॉप क्रॉप क्रॉप। ये हो गया क्रॉप इधर से भी, और ये हो गया क्रॉप इधर से भी। दोस्तों, अभी ये पासपोर्ट साइज फ़ोटो बन चुकी है, लेकिन इससे पहले हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा और छोटा करेंगे, इस तरीके से छोटा कर लेंगे। अभी ये पासपोर्ट साइज फ़ोटो हमारी हो चुकी है, लेकिन अभी ऐसे नहीं, अभी क्या है, इस पिक्चर को देखो, हम मूव कर रहे हैं, नहीं हट रही है। दोस्तों, पूरी वीडियो नहीं देखोगे बाद में ये मत कहना सर ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। दोस्तों, उसके आगे क्या करना है आपको, अभी ये पिक्चर नहीं हट रही है, क्योंकि हमें मूव करनी है और पिक्चर्स लगानी है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको पिक्चर पे क्लिक करना है, यहाँ पे टेस्ट रेपिंग में जाना है, देन उसके बाद में यहाँ पे स्क्वायर पे क्लिक कर देना है। अब पिक्चर आपकी आसानी से मूव हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे पिक्चर्स को लगा लेता हूँ। अब सिंपल करना है कि आपको कीबोर्ड में Ctrl+C और B प्रेस करना है, Ctrl+C और B, यानी कॉपी और पेस्ट करना है। कॉपी पेस्ट नहीं आता तो उस वीडियो का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो, Ctrl+C और B प्रेस करते जाओगे तो इमेजेस इस तरीके से आ जाएंगी, और इस तरीके से लगाते जाइए लगाते जाइए, और आपको जितनी भी प्रिंट करनी है पेज पे और उस तरीके से लगा लीजिए। लगाने के बाद में Ctrl+C B दबाते जाइए, C भी दबाते जाओगे तो इमेजेस जो है आती जाएंगी, और इस तरीके से लगाते जाइए। तो मैंने यहाँ पे लगा ली है, आप भी लगा लीजिए। तो मैंने इस तरीके से यहाँ पे लगा लिए, इमेजेस को फिट कर लिया है। देन उसके बाद में अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए है दोस्तों, तो क्या करना है आपको, फिर से यहाँ से Ctrl+C B करना है और इसे यहाँ से लगाना शुरू कर दे। तो इतना बड़ा पेज होता है, आपको जितनी चाहिए उतनी आप यहाँ पर लगा सकते हो। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और दोस्तों कमेंट में जय हिंद जरूर लिखना, वंदे मातरम जय हिंद जरूर लिखना दोस्तों, जरूर जरूर लिखना। आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।